आप लोग देखते होंगे कि जब भी किसी देश में राजनीतिक उठापटक चलती है तो हम लोग भारत से उसके संबंधों को देखने लगते हैं कि भारत से उसके संबंध अभी तक किस तरह के रहे हैं और आगे व आने वाले समय में किस तरह के संबंध रहेंगे, भारत के लिए वो देश क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह की तमाम जानकारी होती है जो आप सभी लोगों को देख लेनी चाहिए और याद रखना चाहिए। और इस तरह के टॉपिक से आप देखते होंगे कि आपके प्रीलिम्स में और आपकी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि आप लोग देखिए सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, इसमें तो आप लोग एक टॉपिक भी पढ़ते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, कि भारत के इस देश से संबंध किस तरह के हैं, इस देश से संबंध किस तरह से हैं। तो आज हम लोग भारत और ब्रिटेन के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, और इसी सनक को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि भारत से इनके परिवार का संबंध रहा है, और इनका जन्म आप देखेंगे 12 मई 1980 में साउथहैम्पटन हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था। और आप देखेंगे इनकी अगर राजनीतिक पार्टी की बात करें हम लोग, तो आप देखेंगे कि इससे पहले राजकोष के चांसलर भी रह चुके हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं ये, ठीक है। और इससे पहले लिज ट्रस थी, कौन थी, लिज ट्रस थी यहाँ की प्रधानमंत्री, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और ऋषि सुनक को ही हराकर वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीती थी। देखिए एक हमारा प्यारा मैप है, और पृथ्वी इस पर आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। अपने पड़ोसियों के देखें तो श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएगी, पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी यहीं देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी हमारे पड़ोसी हैं। यहाँ से आप लोग यूरोप जाइए और यूनाइटेड किंगडम जाइए, और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन, और यहाँ बर्मिंगम, मैनचेस्टर, ये शहर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को एकात्मक संसदीय संविधानिक राजतंत्र देखने को मिलेगा, और इसका क्षेत्रफल अगर आप लोग देखें तो 2,42,495 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ की अगर हम लोग जनसंख्या देखें ना, तो आप देखेंगे लगभग 7 करोड़ के करीब यहाँ की जनसंख्या है, 6,77,91,400 देखने को मिलेगी 2022 के हिसाब से, तो ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में ऋषि सुनक ब्रिटेन के 75 कितने 57वें 57 57 57वें आप देखिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। वह देश में वर्तमान में राजनीतिक अस्थिरता के परिदृश्य में पिछले 50 दिनों के भीतर सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री हैं, और इससे पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। उसके बाद आप देखेंगे लिज को अविश्वास के माध्यम से पद से हटा दिया गया। अगर बोरिस जॉनसन को आप लोग देखना चाहें तो ये बोरिस जॉनसन है, ठीक है, ये लिज ट्रस है, और अब आप देखेंगे ये ऋषि सुनक है। भारत और ब्रिटेन संबंधों के लिए अवसर किस तरह से देखा जा रहा है, यह भारत और ब्रिटेन के लिए वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल के व्यक्ति के उत्थान के साथ द्विपक्षीय है संबंधों हेतु तो रोडमैप 2030 को लागू करने की का एक अवसर है, और भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के परिपेक्ष में ब्रिटेन का दृष्टिकोण केवल भारत में वस्तुओं को बेचने के अवसर से काफी आगे निकल गया है। अब ब्रिटेन को भी भारत से सीखना चाहिए, और भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते से आयात और निर्यात प्रभाव में वृद्धि होगी। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। निवेश प्रवाह बाहरी और आवक दोनों में वृद्धि, संसाधनों की अधिक कुशल आवंटन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक खुलेपन से अधिक विकास एवं समृद्धि में वृद्धि होने की उम्मीद है। और भारत ब्रिटेन साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है, ये अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के लिए देखें,
भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी और रक्षा दोनों ही विषय में यूके के लिए एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है। जो 2015 में भारत तथा यूके के बीच रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर द्वारा रेखांकित भी हुआ है। और ब्रिटेन के लिए भारत के साथ सफलतापूर्वक एफटीए का संपन्न होना ग्लोबल ब्रिटेन की उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा, क्योंकि यूके ब्रेक्जिट के बाद से यूरोप से परे भी अपने बाजारों के विस्तार की आवश्यकता तथा इच्छा रखता है। आप देखेंगे जो आपका क्या क्या ब्रेक्जिट यूरोपीय संघ है ना, उससे अलग हो गया था यूके। और ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण वैश्विक अभिकर्ता के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह सुदृढ़ करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत से अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के साथ वह इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल कर सकने में सक्षम होगा। और आप देखेंगे, एक आप लोगों ने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, उसका स्थायी सदस्य भी है आपका यूके। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप देखेंगे कि भारत के लिए हिंद प्रशांत में यूके एक क्षेत्रीय शक्ति है, क्योंकि इसके पास ओमान, सिंगापुर, बहरीन, केन्या, ब्रिटिश सिंध महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सुविधाएं हैं। और यूके ने भारत में अक्षय ऊर्जा के उपयोग का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय निवेश निधि के 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी पुष्टि की है, और जिससे इस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण और सौर ऊर्जा के विकास में मदद भी मिलेगी। और भारत से मत्स्य पालन, फार्मा और कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक आसान पहुंच के साथ साथ श्रम गहन निर्यात के लिए शुल्क रियायत की भी मांग की है। और दोनों देशों के बीच वर्तमान प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दे क्या है? तो भारतीय आर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण, यह मुद्दा भारतीय आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का है जो वर्तमान में ब्रिटेन की शरण में है, अपने लाभ के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। एक तरह से आपने देखा होगा कई हमारे देश के बैंकों को लूट लूट कर भगोड़े घोषित किए गए हैं, जो दूसरे देशों में बैठे हुए हैं उन्हीं की बात हो रही है। और स्पष्ट रूप से भारतीय आपराधिक मामले जिनमें प्रत्यारोपण का आह्वान होता है दर्ज होने के बावजूद विजय माल्या, नीरव मोदी और अन्य अपराधियों ने लंबे समय से ब्रिटिश व्यवस्था की शरण ली हुई है, तो ये भी वापस मिलेंगे। ब्रिटिश और पाकिस्तानी डीप स्टेट के बीच अम्बिलिकल लिंक, वोट बैंक की राजनीति के अलावा ब्रिटेन में उपमहाद्वीप से एक बड़े मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व, विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मीरपुर जैसे स्थानों के कारण विसंगति को बढ़ावा देता है। व्हाइट ब्रिटेन की गैर संस्कृति, गैर स्वीकृति। एक अन्य चिंता व्हाइट ब्रिटेन द्वारा वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के विकास को अस्वीकार करना, विशेषकर मीडिया में। और वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ दिया है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारी जो वर्तमान सरकार है, इसने उसकी वाह वाह भी लूटी थी, श्रेय लेने की होड़ भी लगी हुई थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में भारत ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा था। नस्ल के आधार पर या ब्रिटिश साम्राज्य की शाही विरासत के मामले में एक आधुनिक और आत्मविश्वासी भारत एवं एक ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत के बीच कोई अंतर नहीं है। अगर हम लोग ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली में अंतर देखें दोनों देशों की, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि आप देखिए हमारे ऊपर लंबे समय तक इन्होंने शासन भी किया हुआ है। हालांकि यह है कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बनी और निम्नलिखित मामलों में भिन्न भी है। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि आप लोग कई बार सुने होंगे कि हमारे संविधान को उधार का थैला भी कह दिया जाता है। देखिए ज्यों का त्यों हम लोगों ने कहीं से कोई भी प्रावधान अपने संविधान में शामिल नहीं किया है। हमारे देश के जो भी उस समय के पॉलिटिशियन रहे हैं पढ़े लिखे, जिनमें भीमराव अंबेडकर हों, कहते हैं कि कई देशों का उन्होंने संविधान पढ़ा, उसमें से जो अच्छी बातें थी उन्हें हम लोगों ने शामिल किया, ज्यों का त्यों नहीं सुधार करके हम लोगों ने शामिल किया। भारत में ब्रिटिश राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर एक गणतांत्रिक व्यवस्था है, और दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य के प्रमुख राजा या रानी को वंशानुगत पद प्राप्त होता है। और अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहाँ की महारानी की डेथ भी हुई थी। क्या हुई थी? डेथ भी हुई थी।
और अब यहाँ की महारानी कौन है, राजा कौन है, यहाँ के चार्ल्स द्वितीय यहाँ के राजा बन चुके हैं। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई थी ना कुछ समय पहले, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। उनका वंशानुगत पद होता है, राजा के बाद उनका बेटा या रानी के बाद उनका बेटा बेटी हो, इस तरह से ब्रिटेन के राज प्रमुख बनते रहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है, और लिखित संविधान संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों के कारण सीमित तथा प्रतिबंधित शक्तियों का उपयोग करती है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देखिए, लोकसभा सदस्य हैं बनारस से, और लेकिन आपने देखा होगा मनमोहन सिंह वो राज्यसभा सदस्य थे, फिर भी आप देखते थे प्रधानमंत्री बने थे। आमतौर पर केवल संसद सदस्य को ही ब्रिटेन में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत में व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर 6 महीने की अवधि के लिए। हमारे देश में अब आप भी अगर आप देखिए मंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर क्या होना होगा, लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, जब वो मंत्री बनता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर वो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य बन जाता है। ब्रिटेन में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। छाया कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अद्वितीय संस्था है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने के और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रीय स्तरीय कार्यालय के लिए तैयार करने हेतु किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं देखने को मिलती है। आगे की राह की अगर आप देखें तो संस्कृति, इतिहास और भाषा के गहरे संबंध पहले से ही यूके को एक संभावित मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जिससे भारत के साथ संबंधों को और गहरा किया जा सकता है। और पूरी तरह से नई परिस्थितियों के साथ भारत और ब्रिटेन की को यह समझना चाहिए कि दोनों को अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है, और एक दूसरे से आवश्यकता हमेशा रहती है, इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं, उनसे बात होती रहती है, एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब, विदेश मंत्री साहब घूमते रहते हैं, और इस तरह के टॉपिक जो भी चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य चर्चा जरूर कर लिया करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है। और आप देखिए ब्रिटेन से पूछा जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम से पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो रही है। तो पढ़ते रहिए आप लोग, और किसी के बारे में बात करनी हो किसी टॉपिक के बारे में तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं नीचे, हम लोग बात कर लेंगे उस पर। ठीक है,